राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के साथ मात्र एक कच्चे आलू से बन जाने वाला इतना ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एक बार बना लेंगे तो बनाने में तो आसान है ही, ये खाने में भी इतना स्वादिष्ट है कि आप बार बार बनाना इसे पसंद करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक आलू को हम अच्छे से छील देंगे, बड़े बड़े मोटे मोटे पीसेस में कट करेंगे और मिक्सर जार में डाल देंगे। अब इसमें हम 3 से 4 लहसुन की कलियां और साथ में 2 हरी मिर्च, तीखा जितना आप खाना पसंद करते हो हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और इसी के साथ 1 प्याज को पतले पतले लच्छों में मैंने काट लिया हुआ है, आप चाहें तो मोटे मोटे पीसेस में भी काट करके डाल सकते हैं। बिना पानी डाले हुए हमें इसे अच्छे से बिल्कुल पीस लेना है। देख सकते हो आप लोग, हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पर इसका पेस्ट बना करके तैयार कर लिया हुआ है। इसमें ना मोटी मोटी गांठें वगैरह नहीं रहनी चाहिए, इसलिए बिल्कुल अच्छे से इसे पीस लीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी छोटे छोटे पार्ट्स आलू के ना रहें। जैसे ही वो अच्छे से पीस जाएगा उसे साइड में ढक करके रख दीजिएगा। एक बाउल में हम लेंगे और 1 कप नाप करके इसमें सूजी ले लेंगे। आज का नाश्ता हम आलू और सूजी से बना रहे हैं। पीसे हुए मिक्सचर को हम इसमें सारा का सारा मिक्सचर जो है ना वो सूजी में डाल देंगे। अब 1 कप में जिस कप से हमने सूजी ली हुई है उसी कप से नाप करके हम पानी लेंगे और मिक्सचर जार में थोड़ा सा पानी डाल करके अच्छे से उसे साफ करके इसमें पानी डाल देंगे। साथ में इसमें 2 से 3 चुटकी हम डालेंगे चीनी, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे और साथ में ही 1 चम्मच जीरा अच्छे से डाल देंगे। अब इसी के साथ, बस इतनी ही चीज़ों के साथ, हमने जो पानी 1 कप रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और सूजी और आलू के बनाए हुए मिक्सचर को अच्छे से हम आपस में फेट करके मिला लेंगे। इसी के साथ फ्रेंड्स, मैं आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपना एक प्यार भरा सा सपोर्ट दीजिएगा, ऐसी और सारी मज़ेदार और नई रेसिपीज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करती रहूँ। अब इस नाश्ते को ढक करके हम रख देंगे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर, ताकि सूजी जो है वो अच्छे से फूल जाए। तो इस तरीके से 10 मिनट के बाद आप सभी देख सकते हो कि सूजी जो हमारा बैटर है ना, सूजी वाला, वो थोड़ा सा पहले से गाढ़ा हो गया, देख रहे हो आप, इस तरह से गाढ़ा हो गया है फूलने की वजह से। बस एक बार फिर से हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से फेंट लेना है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह का इनो का शेल से, 1 इनो का शेल से हम यूज़ करेंगे इसमें पूरा, क्योंकि इसमें पूरा 1 चम्मच के आसपास इनो होता है। अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो खाने वाला मीठा सोडा 2 से 3 चुटकी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इनो को एक्टिवेट कर लेंगे और अच्छे से चलाते हुए बैटर को मिक्स कर लेंगे। इससे हमारा नाश्ता बिल्कुल 2 गुना फूल करके हो जाएगा। देख सकते हो आप लोग, आंखों के सामने ही जस्ट हमने फेटा और नाश्ता पूरा का पूरा फूल करके पूरे बाउल में भर गया है। इस तरह से ये बिल्कुल फ्लफी और स्पॉन्जी हमारा नाश्ता बन करके आलू और सूजी का तैयार हो जाएगा। 1 कच्चे आलू से आप इस तरह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस सा नाश्ता बना करके तैयार कर सकते हैं। अब फेटने के बाद तुरंत ही हम गैस पर क्या करेंगे, इस तरह से कोई पैन ले लेंगे। अगर आपके पास चाहे पैन नहीं है तो आप तवे पर भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। पैन में हम डालेंगे 1/2 चम्मच तेल और साथ में इस तेल को हल्का हल्का चारों तरफ से अच्छे से बिल्कुल इसमें फैला देंगे हम। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच के आसपास तिल और तिल को हल्का सा हम चटकने देंगे। साथ में ही 1 मिर्च चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे कड़ी के पत्ते। तो यहाँ पर लगभग मैंने 4 से 5 कड़ी पत्ते डाले हुए हैं। इस नाश्ते में कड़ी पत्ते का जो टेस्ट है ना वो काफ़ी अच्छा आता है, साथ में तिल और चिली फ्लेक्स से भी ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसके साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें 1 कलछुल भर करके बैटर ले लेंगे या फिर आप कटोरी से 1/2 कटोरी बैटर लीजिए और इसमें अच्छे से डाल करके थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से चारों तरफ बिल्कुल फैलाते हुए ऊपर का हिस्सा जो है वो बिल्कुल बराबर कर दीजिए। अब इसे किसी ढक्कन से ढक दीजिए और ढक करके लो फ्लेम पर 1 मिनट के लिए पकने दीजिए। 1 मिनट के बाद इस पर हम ऊपर से कवर को हटा देंगे और देख सकते हो आप लोग, ऊपर वाला हिस्सा अच्छे से सूख गया है और पक गया है। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हम अपने ब्रश में तेल लगा लेते हैं और लगा करके इसे चारों तरफ अच्छे से तेल लगा देंगे अपने नाश्ते के ऊपर। इस तरह से हल्का सा हिलाएंगे तो जब नाश्ता पक रहा है नीचे से बिल्कुल अच्छे से ना, तो ये तली को एकदम छोड़ देगा। बस इस तरह से प्लेट को रख करके ऊपर वाले हिस्से से पलट देंगे और इस तरह से नीचे के हिस्से को ऊपर कर देंगे। देख सकते हो आप लोग, कितना खूबसूरत सा कलर आया हुआ है, बिल्कुल अच्छे से हमारा नाश्ता पक गया है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी और कुरकुरा रहता है, अंदर से बिल्कुल फ्लफी फ्लफी रहता है। ढक देंगे फिर से 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद दोनों तरफ से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से पक गया है। देख सकते हो आप लोग, इधर भी कितना ज़्यादा खूबसूरत सा कलर आ गया। बस अब इसे निकाल करके रख दीजिए ठंडा होने के लिए।
चलिए मैं आप सभी को एक और नाश्ता बना करके इसी तरीके से दिखा देती हूँ। फिर से हमने आधी चम्मच तिल डाली और चिली फ्लेक्स डाल लिया। साथ में ही तिल जैसे चटकने लगेगी, कड़ी के पत्ते डाल लेंगे और इसी के साथ जैसे ही कड़ी का पत्ता हल्का सा भुनेगा, हम अपने नाश्ते को ले लेंगे और यहाँ पर आधी कटोरी नाश्ता डालेंगे। अगर तवे पर बना रहे हैं तो सेम प्रोसेस के साथ तवे पर भी बैटर को डाल करके फैला दीजिए और डालने के बाद उसे ढक दीजिए, ढक करके पकने दीजिए 1 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। इससे नाश्ता अच्छे से बिल्कुल पक जाएगा और जैसे ही ढक करके हम 1 मिनट पका लेंगे, बस नाश्ते के कवर को हटा देंगे और जब ऊपर की लेयर तवे पर अच्छे से सूख जाएगी तभी उसे पलट करके पलटे से दूसरी तरफ से सेकिएगा। अगर नहीं पकी हुई है, ऊपर से सूखी नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए ढक करके और पका लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैंने दूसरे वाले नाश्ते को भी अच्छे से पका लिया हुआ है। अब मैंने इसे भी उलट पलट करके दूसरी तरफ से सेक रही हूँ। इस तरह से देख सकते हो आप लोग कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। ढक करके पकाने की वजह से ये 1 से 2 मिनट के अंदर बन करके तुरंत ही तैयार हो जाता है नाश्ता। इस तरह से दोनों तरफ से सेकते हुए मैंने यहाँ पर सारे के सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लिए हुए। तो इस तरह से हमने एक कच्चे आलू से 4 बड़े बड़े और टेस्टी से नाश्ते बना करके तैयार किए हुए हैं। एकदम रुई के जैसे नरम होते हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की आपको मेरी ये रेसिपी, मुझे जाते जाते कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। इस तरह से आप सभी देख सकते हैं कि हमने सारे के सारे नाश्ते बना करके तैयार कर लिए हुए हैं। दोनों तरफ से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छी तरीके से सिक गया है। एकदम ये अंदर से रुई की तरह स्पॉन्जी और नरम होता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसी के साथ मैं आप सभी को तोड़ करके भी दिखा देती हूँ। तो अंदर से कितना ज़्यादा ये फर्स्ट क्लास जालियाँ पड़ी हुई हैं इसमें और एकदम नरम नरम सी ये रहती हैं खाने में। मैंने इसे सर्व किया हुआ टमाटो सॉस और दही के साथ। मुझे इसका फ्लेवर टमाटो सॉस और दही के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे टमाटर की सब्ज़ी के साथ भी खास करके इंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दीजिए, उन्हें भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। बच्चे हो या बड़े, ये तो फिलहाल सभी को बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो एक बार ये रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।